ये बताइए, ये कब से समस्या है आपको? दो तीन साल से जी। तो क्या समस्या होती है? आर्मी में जाने में कोई प्रॉब्लम है जी? क्या प्रॉब्लम होती है वहाँ पे? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेडिकल में फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो आर्मी में पूछते हैं। तो अगर गायनेकोमेस्टिया की समस्या है तो उसमें आर्मी में आपको लिया नहीं इसी कारण से जी? तो आर्मी में गए थे तो उसमें लिया नहीं, क्या बोला उन्होंने? कहा कि बहुत ज्यादा बड़ा है, सीना में छाट दिए थे। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि अगर आपको चेस्ट में फैट है या ग्लैंड है तो आर्मी में लेते नहीं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं लिया आपको? नहीं। दो बार दिया? अच्छा, दो बार दिया तो नहीं लिया है, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं, ग्रेड टू गायनेकोमेस्टिया है। इसमें हम लाइपोसक्शन करेंगे, ग्लैंड निकालेंगे, है ना। कहाँ से आए आप? गाजीपुर। कितने दिनों से वीडियो देख रहे हैं? लगभग तीन चार महीने से। तो क्या देखा आपने? अच्छा हो जाता है। तो देखो इसमें ये जो निशान रहेगा यहाँ पे रहेगा, वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है जी। निप्पल के नीचे जस देते हैं, बड़ा सा वाला लंबा इंसिजन नहीं देते हैं यहाँ से, जो लंबा लंबा देते हैं लोग, है ना जी। वाला नहीं देते, प्लास्टिक सर्जन जो देते हैं यहाँ पे देते हैं। जो रेगुलर सर्जरी करते हैं उनके रिजल्ट अलग है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो रेगुलर सर्जरी करते हैं गायनेकोमेस्टिया का, तो उसमें जो इंसिजन देते हैं यहाँ पे देते हैं, ठीक है। लाइपोसक्शन कर देंगे, यहाँ पे फैट है और ग्लैंड भी है, तो उसको निकाल देंगे दोनों तरफ का, और उसके बाद फिर इसमें सर्जरी करेंगे, ठीक है जी। और कुछ नहीं, बस ये कि नहाते समय ये छोटा रहता है। हाँ, सबका यही प्रॉब्लम रहता है। दर्द होता है? नहीं, बहुत नॉर्मल होता है कभी कभी। हाँ, सब सारे लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि बोलते हैं कि नहाते समय ठंडियों में थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, गर्मियों में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आपको मेन तो प्रॉब्लम ये है कि आर्मी में आपको लिया नहीं है ना, दो बार आपको रिजेक्ट कर दिया है। ये जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास आए हैं, आर्मी में इनको लिया नहीं, तब इनका हम लाइपोसक्शन करेंगे, ग्लैंड निकालेंगे, ठीक है। ये ट्यूमेसेंट फ्लूइड होता है जो फैट को चला देता है, ब्लीडिंग को रोकता है बेसिकली। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग रोकने के लिए हम ट्यूमेसेंट फ्लूइड में कुछ दवाइयाँ डालते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। तो लाइपोसक्शन जो करते हैं इसी तरीके से करते हैं। अभी हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं, दोनों तरफ करेंगे, साथ ही ब्लड निकालेंगे। अभी हम ग्लैंड निकाल रहे हैं, अभी राइट साइड का, फिर लेफ्ट साइड का।
निप्पल के नीचे थोड़ा ग्लैंड छोड़ते हैं जिससे निप्पल डिप्रेशन ना हो। आप देख सकते हैं ये चेस्ट फ्लैट हो गया है, चारों तरफ से हमने ग्लैंड निकाल दिए। अभी हम दोनों तरफ का, एक तरफ का हमने ग्लैंड निकाल दिया है और दोनों साइड का ग्लैंड बेसिकली लाइपोसक्शन करके पूरा हम क्लियर कर देते हैं। ग्लैंड बस रहती है, उसको हम पढ़ के निकालना पड़ता है। अगर ग्लैंड में निकाला जाए तो रिजल्ट उतना अच्छा आएगा नहीं। अभी देख सकते हैं ये ग्लैंड अभी हमने निकाल दे रहे हैं। अभी देख सकते हैं हम ग्लैंड पूरी निकाल दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना फ्लैट हो गया है। तभी हम चेक करके देखते हैं कहीं भी फील होता है तो निकाल देते हैं। यहाँ थोड़ा फील हो रहा था तो हमने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं ये हमने गायनेकोमेस्टिया सर्जरी किया, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ का कितना अच्छा आउटलाइन हुआ है। सर्जरी कल हुई है, आज आपको डिस्चार्ज करेंगे, तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो अभी आपका चेस्ट देखा कैसा देखा? आप देखिए चेस्ट। अच्छा ठीक है। ठीक है ना जी। तो अभी फर्स्ट डे कितना पेन हो रहा है? बहुत थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ना, तो अभी रिजल्ट देखा तो आपने कितना सेटिस्फाइड हो? अच्छा। कहाँ से आए थे आप? गाजीपुर से। तो अच्छा, कितने दिनों से वीडियो देख रहे हो? लगभग 5 मंथ हो गया। 5 मंथ में क्या देखा आपने? देखा कि कराकर सब अच्छे हो जा रहे हैं सर। अच्छा हाँ। तो आपका भी देखो 1 मंथ के बाद इसमें मसाज करना है, ठीक है? तो ऐसा मसाज करना है, ठीक है, जब हीलिंग हो जाए पूरा तो 1 मंथ के बाद ऐसा ऐसा मसाज करना है जिससे और अच्छा शेप आएगा। आप देख सकते हैं इनका पेक्टोरिस मेजर की आउटलाइन बनाया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है, तो आपका धीरे धीरे और अच्छा भी आएगा, ठीक है। तो और कुछ पूछना चाहते हो? कैसा रहा एक्सपीरियंस जनरल एनेस्थीसिया का? अच्छा अच्छा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले डर लग रहा था? जी थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्या डर लग रहा था? कैसे होगा कैसे नहीं, इसी सब डर रहे थे। अच्छा, लेकिन अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा, तो कितना सेटिस्फाइड हो अभी देख के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ना, ठीक है।